गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल आप स्टडी किया था COP कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अज आप पढ़ा वेपर कंप्रैशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जी कि घर में फ्रिज यूज होंगी है, वह होंगे वेपर कंप्रैशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, यदि कंस्ट्रक्शन बारे पढ़ा, ये होंगे दिस इज द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंप्रैसर कंडेंसर रिसीवर टैंक एंड एक्सपेंशन वाल्व एंड वेपरेटर। ठीक है, ये कंप्रैसर यूज हों, कंडेंसर यूज हों, रिसीवर टैंक हों, एक्सपेंशन वाल हों, वेपरेटर हों। ठीक है, सब तो पहला आप पढ़ा कंप्रैसर। कंप्रैसर की काम करता है, जिहड़ा ये रेफ्रिजरेंट हों, रेफ्रिजरेंट जिहड़ा हों, कंप्रैस करन, यानी कि टैंपरेचर इनक्रीज तो प्रैशर इनक्रीज करन कंप्रैसर यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ ए रेसीप्रोकेटिंग कंप्रैसर जनरली यूज, जिहड़ा कंप्रैसर हों, रेसीप्रोकेटिंग यूज हों, जिहड़ा अप एंड डाउन, मतलब अप एंड डाउन चलता ज़्यादा होवे, रेसीप्रोकेटिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर वेरी बिग प्लांट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डायरेक्टली कपल विद हाई स्पीड रोटेटिंग इंजन। ठीक है, आर यूज। ठीक है, हाई स्पीड रोटेटिंग इंजन यूज हों कंप्रैसर। ठीक है, नैक्सट है थोड़ा, ठीक है, फॉर वेरी बिग प्लांट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर डायरेक्टली कपल विद हाई स्पीड रोटेटिंग इंजन। ठीक है, आर यूज। ठीक है, यूज हों। अगे नैक्सट है थोड़ा कंडेंसर। कंडेंसर की होंगे, इट इज़ ए कोयल ऑफ ट्यूब मेड ऑफ कॉपर, जिहड़ी फ्रिज पिछे कोयल्स हुंदियां ने वो कंडेंसर हुंदियां है। कंडेंसर का काम की हुंदा है, ये हीट नू रिमूव कर दिया है, यानी कि हीट या रिड्यूस कर दिया या रिमूव कर दिया है। जिहड़ी थोड़ी कोई भी सब्जी पई है, विच कुछ भी मटीरियल पिया, कोई भी सबस्टांस पै फ्रिज विच, उहदी हीट है जिहड़ी जिहड़ा रेफ्रिजरेंट वह अपने अबजॉर्व कर लैंदा है। ठीक है, तो जिहड़ा कंडेंसर आ वह रेफ्रिजरेंट विच्चों जिहड़ी हीट है उन्हों रिमूव कर दिंदा है। ठीक है, एक कॉपर का बनया हुंदा है। ठीक है, कॉपर मटीरियल का बनया हुंदा है, जे कॉइल्स हुंदियां जिहड़ी थोड़े फ्रिज पिछे लगियां हुंदियां है। नैक्सट है थोड़ा रिसीवर टैंक, इट इज़ ए रिजर्वायर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जिहड़ा रेफ्रिजरेंट हुंदा लिक्विड विच, लिक्विड फॉर्म विच और रिसीवर टैंक विच हुंदा है। ठीक है, अगे थोड़ा एक्सपेंशन वाल्व, दिस इज थ्रोटल वाल्व, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट इज मेड टू फ्लो एट ए कंट्रोल रेट थ्रू दिस वाल्व। ठीक है, ये थ्रोटल वाल्व होंगे, एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जिहड़ा हुंदा है इहनू कंट्रोल करता है एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, इन्हां नू जाने कि उहदी स्पीड नू घटाउंदा जां वधाउंदा है एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, नैक्सट है थोड़ा वेपरेटर, इट इज़ एक्चुअल कूलर एंड कैप्ट इन द स्पेस टू बी कूल्ड। वेपरेटर वो जगह है जिते थोड़ा कोई भी सबस्टांस जो भी थोड़ा जिसनों तुसी ठंडा रखना है वह चीज़ पई हुंदी है। ठीक है, इहनू कूल करता है। ठीक है, द वेपरेटर इज़ ए कोयल ऑफ ट्यूब मेड ऑफ कॉपर, ये भी कॉपर की बनी हुंदी है, जाने कि कोई भी थोड़ा कोई स्पेस आदमी अपना कोई भी सबस्टांस रख लिया, कोई भी सब्जी रख ली, जो तुम ठंडा करना है, कोई भी फ्रूट्स रख लिया। ठीक है, वेपरेटर ने किया, वेपरेटर के कॉइल्स लगिया होंदिया, रेफ्रिजरेंट जिहड़ा फ्लो करता है, तो जिहड़ी उहदी हीट आ कोई भी सबस्टांस दी तुहाडी वह अबजॉर्व कर लैंदा आ। ठीक है, वेपरेटर, ठीक है, वेपरेटर कॉइल्स जिहड़ियां उह अबजॉर्व कर लैंदियां, कॉइल ट्यूब ऑफ जिहड़ी कि कॉपर नाल बणियां होंदियां। ठीक है, नैक्सट किदां इह वर्किंग किदां करदा, हुण तुहानूं वर्किंग किदां करदा, ये देखो डायग्राम, देखो डायग्राम, देखो एक पास लगा है थोड़ा कंप्रैसर। ठीक है, ठीक है, कंप्रैसर तो कंप्रैसर है वन पॉइंट से वन, तो कंप्रैसर आ रहा, फिर टू, ठीक है, फिर कंडेंसर में जा रहा, जो कंप्रैसर में उन्हें जोड़ा थोड़ा रेफ्रिजरेंट आनूद टैंपरेचर भी इनक्रीज करता, प्रैशर भी इनक्रीज करता, तो नैक्सट गया कंडेंसर में जिते कि वो हीट रिड्यूस करती उन्हें। ठीक है, अगे थोड़े कैपिलरी ट्यूब्स आ गए, एक्सपेंशन डिवाइस आ गए, ठीक है, जिसे थोड़े जो फ्लो आनू इनक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अगे वेपरेटर जिते थोड़े कोई सबस्टांस थोड़ा पिया होया, जिते कि कूलिंग इफेक्ट हों, ठीक है, वह वेपरेटर आ। ठीक है, ये थोड़ा रेफ्रिजरेंट जानी कि मूव करता, यानी रीसाइकल करता पाया। ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो यूज होंगे गा। ठीक है, वर्किंग की है, द लो प्रैशर रेफ्रिजरेंट वेपर कमिंग आउट ऑफ द वेपरेटर फॉलो लो इन टू द कंप्रैसर। ठीक है, जोड़ा द लो प्रैशर तो रेफ्रिजरेंट आ वेपर, वेपरेटर चो वेपर जिते थोड़ा सबस्टांस पिया आया उन्होंने हीट ले ली। ठीक है, हीट वो जी रेफ्रिजरेंट बट आ गई, वह लो प्रैशर बन गई। ठीक है, तो वह गई जाके कंप्रैसर विच अगे, द कंप्रैसर इज ड्रिवन बाय द प्राइम मूवर। ठीक है, प्राइम मूवर ने चलता है, इन द कंप्रैसर द रेफ्रिजरेंट वेपर इज कंप्रैस, जिहड़ा वेपोरेटर चो थोड़ा रेफ्रिजरेंट आया आ उन्हें कंप्रैसर ने उन्हों कंप्रैस करता। ठीक है, कंप्रैस हो गया। नंबर फोर देखो, द हाई प्रैशर रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द कंप्रैसर इज दैन पास थ्रू द कंडेंसर, जिहड़ा
ਉਹਨੂੰ ਜਲੇ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ, ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਵੇਪਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੈਨ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਾ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਗਿਵ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਗਿਵ ਆਊਟ ਦਾ ਹੀਟ ਇਟ ਹੈਡ ਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਆ, ਦਾ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਗਿਵ ਆਊਟ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ। 6 ਦੇਖੋ, ਹੀਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਔਨ ਇਟ ਡਬਲਿਊ ਔਨ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ, ਠੀਕ ਆ। ਨੰਬਰ 7, ਦਿਸ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਬਾਈ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਏਅਰ ਔਰ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਏਅਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏਅਰ ਕੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਜਾਂ ਏਅਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਾਟਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿ ਇੰਜਣ ਠੰਡਾ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ। 8th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਂਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ, ਚਲੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੈਨ ਦਾ ਵਾਲਵ ਅਲੋਅ ਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਟੂ ਫਲੋ ਐਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਇਨ ਟੂ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਭੇਜਣਾ ਆ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ ਵਿੱਚ। ਵਾਇਲ ਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਲਵ ਦਾ ਲੀਕੁਅਡ ਪਾਰਸ਼ਲ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਪੋਰਾਈਜ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ ਐਟ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 12, ਇਨ ਦਾ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦਾ ਲੀਕੁਅਡ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੀਟ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਟੂ ਬੀ ਕੂਲਡ। ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਲਿਕੁਅਡ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਲਿਕੁਅਡ ਗਿਆ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ 'ਚ, ਇਟਸ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਇਜ ਆਫ ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੂਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਸੀਗਾ ਵੈਪੋਰੇਟਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਲੈ ਲਈ, ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲਈ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਲਿਕੁਅਡ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੇਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਅਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਅਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਿਕੁਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੰਬਰ 13, 10 ਦਾ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਦਾ ਲੋਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਐਂਟਰ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ 'ਚ ਲੋਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਰੈਫਰੀਜੈਂਟ ਐਂਟਰ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੋਂ ਕੰਡੈਂਸਰ, ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅਵੈਪੋਰੇਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੈਂਸਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਵੈਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।